जय माँ मथुरासनी सजाति बंधुओं, माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी सजाति बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन दबाएं और ऑल को क्लिक करें और माहौरी के इतिहास की जानकारी को अधिक से अधिक सजाति बंधुओं में शेयर अवश्य करें। मैं राजेश कांदे, आज हम खाता नंबर 6 नवदिया, गोत्र भरतवाज मुनि, निवास स्थान निधिवन। आज हम निधिवन में लीलाएं कृष्ण और श्री राधा रानी की जो किए हैं, वहाँ वो आज भी विराजमान है। तो हम आज जानकारी खाता नंबर 6 नवदिया, निवास स्थान निधिवन की ही दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। खाता नंबर 6 नवदिया निधिवन लीला। एक बार श्री कृष्ण और श्री राधा जी निधिवन में रात्रि में सभी गोपियों के साथ हास परिहास कर रहे थे। राधा जी ने कृष्ण से कहा, आप मुझे कोई कहानी सुनाइए या फिर ये बताइए कि भक्त कष्ट क्यों पाते हैं। कृष्ण बोले, राधे सुनो, एक वक्त था वो हादसे से मेरी भक्ति करते थे। उन्होंने लगता था कि भगवान की भक्ति करने से उनके जीवन में सुख रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने भक्ति करते कई साल बीत गए और वह निधन होता चले गए। यही नहीं, उनके समकालीन लोग उनके बहुत धनी हो गए। वे सब उन भक्तजन का बड़ा परिहास उड़ाते थे। भक्त को लगता उसने अच्छा तो ये लोग ही जीवन जी रहे हैं, इन्हें तो भगवान की भक्ति भी नहीं करनी पड़ती। मैंने भी इतना समय लगाकर देख लिया, ना तो प्रभु मिले और ना ही जीवन में कुछ सुख आया। अब तो मैं भक्ति भी नहीं छोड़ सकता, वरना लोग मुझे और भटका हुआ समझेंगे। ऐसा विचार करते करते उन्हें ये अनुभव किया कि लगता है मुझे प्रभु कृष्ण की प्रतीत ही नहीं है, मुझे एक ऐसा विश्वास हो कि वो सचमुच है या नहीं। उस भक्त ने सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण निधि वन में प्रतिदिन आते हैं और कोई छुप के देख ले तो उसका अहित हो जाता है। उसने सोचा, अब मेरा क्या अहित होगा। ये विचार कर वह सांझ को सबसे आंखें बचाकर निधि वन में छुप गया और रात्रि की बाट जोहने लगा। अब बताओ राधा, मैं उन संत जन को कैसे बतलाऊं कि यदि सांसारिक इच्छा उनके शेष रहेगी तो उन्हें जाने में कितने जन्म और कितने योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें सांसारिक सुख नहीं दे रहा, और अगर वो संसार के आसित हटा दे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें मुझ में ही मन लगाना पड़ेगा। इन भक्त जन को ये लगता है कि भगवान निधिवन में आते नहीं, हम उन्हें कैसे बताएं। हम आते भी हैं और अपने भक्त जनों की बात भी चलाते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। तभी वो भक्त जो वहाँ छुपे बैठे थे भगवान की अद्वितीय दिव्य लीला देखकर चमकृत रह गए। वे दौड़े के आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। वे राधा रानी का भी बहुत आभार करना चाहते थे जो उन्होंने ऐसे प्रश्न किया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। प्रभु की अनुकंपा से जब वे कुछ बोल सके और जब उनसे वर मांगने का कहा गया तो बार बार आग्रह करने कि उनके
इस दिव्य स्वरूप को ही और नित्य देखना चाहता था। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम यही निधि वन में लता बनकर रहो, अब से तुम भी हमारे साथ नित्य रात्रि में रहोगे। और प्रभु ने उस भक्त गोपी को, जो कई जन्मों से प्रभु से बिछड़ी हुई थी, कृतार्थ कर दिया। दोस्तों, ये निधि वन में श्री कृष्ण जी की एक लीला थी और राधा जी की। इस तरह आप 14 खातों का, 14 वन मंडलों का अगर आप जानकारी, श्री कृष्ण की लीलाएं, राधा की लीलाएं अगर जानना चाहते हैं, तो मौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें मौरी के इतिहास के अलावा बहुत सारी जानकारियां ऐसी भी मिलेंगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां मथुरा।